नालागढ़ के विकासखंड कनाली चीना क्षेत्र के डुंडू चामी के ग्रामीणों ने आज जिला मुख्यालय पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि सरकार पलायन रोकने की बात करती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब तबके के लोग बिना किसी सुविधा के एक चौकीदार की तरह गांव में रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि छड़नदेव लिमतोड़ा मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान लोक निर्माण विभाग अस्कोर द्वारा रोड कटिंग का काम किया जा रहा है। रोड कटिंग के दौरान पूरे क्षेत्र की एकमात्र पेयजल योजना डुंडू चामी पूरी तरह ध्वस्त हो गई है, जिससे क्षेत्र के स्कूल और हजारों लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने कई बार लोक निर्माण विभाग द्वारा रोड कटिंग के कार्य में ध्वस्त हुई पेयजल लाइन को बनाए जाने का अनुरोध किया, लेकिन विभाग द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। वहीं जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि जिले भर की सभी पेयजल समस्या का प्राथमिकता से समाधान होगा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द पानी की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो इसके खिलाफ उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। हम विकास खंड कनाल सुदूरवर्ती क्षेत्र डुंडू चामी छलंदे से आए हैं। लोक निर्माण विभाग अस्कोर द्वारा वहाँ पर रोड कटिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कि हमारी पेयजल योजना थी जो पूर्ण रूप से उनके द्वारा ध्वस्त कर दी गई है। डुंडू चामी पेयजल योजना, जिससे राजकीय इंटर कॉलेज छलंदेव, प्राइमरी विद्यालय छलंदेव, प्राइमरी विद्यालय डुंडू चामी, राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय छलंदेव और क्षेत्र की जलापूर्ति की एकमात्र योजना थी जो उनके द्वारा विगत एक माह से ध्वस्त कर दी गई है। बार बार अनुरोध के उपरांत भी इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी मांग को लेकर हम माननीय जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को मिलने के लिए आए हैं, ताकि हमारी पेयजल योजना सुचारू रूप से अतिशीघ्र ठीक कर दिया जाए, गाँव की समस्या दूर हो। हेलो उत्तराखंड न्यूज के लिए पिथौरागढ़ से नीरज कुमार की रिपोर्ट।